बेटे 15 से आगे हम आगे मूव कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। 16 नंबर, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ व्हाट? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 है बेटा। हाँ जी बोलिए, कैसे होगा ये? हाँ जी करिए ट्राई बेटे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन्स क्या है कि आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, बस ये अगर माइंड में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है भाई, है ना। तो चेक करो भाई, सबसे पहले हाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए भाई, बोलो। 1 आ जाए, है ना। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ जेड बार निकालते हैं, है ना। इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट इसका क्या होगा, व्हाट इज द कॉन्जुगेट हियर? जेड बार यह जाएगा 4 प्लस 3 i, ओके ये आ गया। मॉड जेड बताइए भी क्या आ रहा है। हाँ जी मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 9, मीन्स थ्री ये आपका रहा है माइनस 3 का स्क्वायर और ये आ रहा है, ऐसे लिख देते हैं, है ना। सो दैट विल बी अंडर रूट 16 प्लस 9, वॉट इट विल बी 25, अंडर रूट 25 विल बी 5, सो दैट विल बी मॉड जेड। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, हाँ जी कोई ऐसा नंबर जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाए, तो ये क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो ये नंबर मिल गया भाई मुझे, जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर करके देख लो आप मल्टीप्लाई कर, है ना। तो यही एक नंबर है, कौन सा? जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आएगा, 1 आएगा, समझ रहे हो भाई। यानी कि 4 माइनस 3 i को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 1 आएगा बेटे, है ना। बिकॉज जेड इंटू जेड बार इज वॉट, मॉड जेड स्क्वायर, और मॉड जेड स्क्वायर से हमने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लीकेशन 1 ही आएगा, ये जेड है ना, जेड इंटू जेड बार मॉड जेड स्क्वायर और डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। मॉड जेड बार मॉड जेड का स्क्वायर क्या आ रहा है, 5, और जेड बार भी आपने फाइंड आउट किया क्या है अभी, 4 प्लस 3 i, सॉरी 5 का स्क्वायर भी तो होगा ना, हाँ जी 5 का स्क्वायर, सो दैट इज आंसर बेटे, है ना। यही प्रॉपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहा है, दैट विल बी 4 अपॉन 25 प्लस 3 अपॉन 25 i, ओके नेक्स्ट। हाँ जी इसको प्रॉपरली आपने a प्लस ए वटा बी के टर्म्स में लेके आना है। देखिए बेटे ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 5 होल स्क्वायर, ओके। इन डिनोमिनेटर व्हाट, डिनोमिनेटर में जो चल रहा है उसको जरा प्रॉपरली देखिए बेटे, ये माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है, यहां मल्टीप्लाई था भाई, माइनस है, सो दैट विल बी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 i, और माइनस अंडर रूट 3 और ये आ जाएगा प्लस i अंडर रूट 2, यानी कि रूट 2 i, ओके। सो ये दोनों एड हो जाएंगे, दैट विल बी कैंसल आउट, 3 स्क्वायर व्हाट 9, एंड i स्क्वायर इज माइनस 1 एंड रूट 5 स्क्वायर इज 5, सो दैट विल बी माइनस 1 एंड प्लस 5 हो जाएगा ये, ठीक है। और अपॉन में आ रहा है बच्चे, डिनोमिनेटर में रूट 2 और रूट 2 दोनों जुड़ेंगे, सो दैट विल बी 2 रूट 2 आयोटा, 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आयोटा, दैट विल बी कैंसल आउट, सो दैट विल बी 7 अपॉन अंडर रूट 2 i, ओके। प्रॉपर फॉर्म नहीं आई बेटे, ऊपर नीचे क्या करो, मल्टीप्लाई करो उसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी रूट 2 i से, करते हैं देखो क्या है, अंडर रूट 2 i से आपने न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, सो यहां आ रहा बच्चे 7 अंडर रूट 2 i अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2 i स्क्वायर इज माइनस 1, सो दैट विल बी माइनस 2, ओके। सो माइनस 7 रूट 2 अपॉन दिस, बच्चे इतना ही लिख दोगे दैट इज आंसर, ओके। अगर आप थोड़ा और डिवाइड करना चाहते हो तो दैट विल बी 7 अपॉन माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 2 i, ये प्रॉपर फॉर्म आ गई है बेटे आपकी, है ना। नेक्स्ट 17 नंबर भी हो गया, 18 नंबर, इसको इवेल्युएट करना, वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे, कुछ नहीं है, सिंपली आपने i की पावर n से ये सभी पावर्स ग्रेटर हैं, सो आप i की पावर n को क्या ले लो, कॉमन, यहां आ जाएगा 1 प्लस, यहां सिर्फ i आएगा और यहां सिर्फ i स्क्वायर आएगा बेटे, और यहां i की पावर 3 आएगी, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, सो बच्चे i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 और इसकी माइनस i, ये कैंसिल हो जाएगा, वैसे भी 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा
विल बी व्हाट जीरो, ये हमें पता है और यहां से हमारा आंसर आएगा जीरो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और थ्री क्यू रूट ऑफ, बेटे ये मैंने आई थिंक टॉपिक अभी नहीं कराया आपको बट फिर भी मैं बता देता हूं, अगर थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, देखो बच्चे अगर मेरे पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर थ्री इक्वल टू क्या दिया है वन, सो यहां से जेड इक्वल टू आएगा वन टू द पावर वन बाय थ्री। ओके सो दैट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है, फिर इसको इधर बुला लेंगे, यह आ जाएगा जेड क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू वट जीरो। फिर बेटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू वट ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके सो इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करना है इस क्वेश्चन में, वेरी सिंपल। अब आप कैसे एप्लीकेशन करोगे इसका, यह आ जाएगा जेड क्यूब माइनस वन क्यूब इक्वल टू जेड माइनस वन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन। ओके इसको आप सॉल्व कर लेना, ये एक हमारी क्या है, ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, दोनों ही इमेजिनरी होंगे, यानी कि इस इक्वेशन इस क्यूबिक इक्वेशन के थ्री रूट्स होंगे, उनमें से एक वन होगा, एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। जब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे यहां से दो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे यानी कि इमेजिनरी रूट आएंगे और यहां से एक वन आएगा। ओके वन यानी कि रियल रूट है, रियल रूट है और दो इमेजिनरी रूट है और वही फिर आप जब चेक करोगे कि एक रूट दूसरे का क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से फिर इसलिए हम वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, है ना। इसको देखिए भाई, थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, हमें ये प्रूफ करना है, देखिए कैसे होगा। अगर ऐसा है वन माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये हमें दिया हुआ है ऐसा इक्वल टू फोर, थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटे, वन प्लस ओमेगा सॉरी वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या होता है वन, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है वन होता है, ओ सॉरी जीरो, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या जीरो। ओके ये हमें पता है भाई, ये होता है ऐसा, है ना। सो यहां से वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है बेटे, माइनस ओमेगा, वो वैल्यू यहां हम पुट करेंगे। देखिए बेटे क्या आएगा, यहां से ये आएगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ओके देन यहां क्या आएगा बेटे, वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है बेटे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा ऑलरेडी है यहां, और फिर वन प्लस ओमेगा की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी व्हाट। एक और भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओमेगा क्यूब भी क्या होता है, वन होता है। जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो थी जेड क्यूब इक्वल टू वन, इसी इक्वेशन का हमने रूट फाइंड आउट किए थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसी को बोलते हैं जेड को। इस जेड के अंदर अगर मैं वन पुट करूंगा ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा, या ओमेगा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब क्या आ रहा है यहां से वन ही आ रहा है, ठीक है। यहां बच्चे देखिए आप ध्यान से, ये माइनस ओमेगा ये क्या आ रहा है माइनस टू ओमेगा, और यहां आ रहा है माइनस टू ओमेगा स्क्वायर। ओके सो माइनस टू इंटू माइनस टू डेट विल बी फोर ओमेगा टू द पावर थ्री, और ओमेगा की पावर थ्री की वैल्यू आपको अभी बताई है मैंने, डेट विल बी वन। सो यहां से आ जाएगा ये फोर इंटू ओमेगा क्यूब। ओके हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फोर ओमेगा क्यूब आपको समझ आ गया होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है अभी वन। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें सम भी चाहिए और प्रोडक्ट भी चाहिए बेटे, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। सम तो हमें पता ही भाई, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। कई बच्चे कहेंगे ये दोनों इमेजिनरी है, नहीं बेटे ये दोनों इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इनमें से ये पहला वाला कैसा है रियल पार्ट है, माइनस रूट थ्री रियल है और ये आपका इमेजिनरी जरूर है, इसको आप अंडर रूट टू आई लिख सकते हो, और ये दिया हुआ है टू अंडर रूट थ्री माइनस आई, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखिए क्या होता है, रियल पार्ट के साथ यानी कि माइनस वन टू माइनस वन वन रूट थ्री आएगा, रूट टू कॉमन आई कॉमन ले लीजिए अंदर आ जाएगा अंडर रूट टू माइनस वन। ओके मल्टीप्लीकेशन देखिए जरा कैसे आ रहा है, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है भाई, ये और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है टू अंडर रूट थ्री माइनस आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं भाई, जरा चेक करिए क्या आ रहा है,
सो दैट विल बी हियर बेटे, ये रूट थ्री माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये आएगा माइनस सिक्स। ओके ये ध्यान से देखिए है ना, देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और आएगा प्लस रूट थ्री आई। ओके रूट टू इसके साथ करेगा बच्चे, दैट विल बी प्लस टू अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट थ्री आई। ओके देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये क्या आने वाला भी माइनस रूट टू आई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस वन, और माइनस वन यहां पुट करेंगे हो जाएगा प्लस। रियल पार्ट सेपरेट करो, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, जाएगा माइनस सिक्स प्लस अंडर रूट टू, और इमेजिनरी पार्ट है हमारा रूट थ्री, कॉमन ले लेंगे, आई भी कॉमन आ रहा है, आई भी कॉमन आएगा ऑब्वियसली आएगा, ये कॉमन आ गया अंदर आ गया वन प्लस टू अंडर रूट टू, सो दैट इज आवर आंसर। सम भी निकाल दिया और प्रोडक्ट भी निकाल दिया बेटे हमने, है ना। नेक्स्ट दैट इज 20 नंबर क्वेश्चन।